नमस्कार, मैं रोहित कुमार। आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का आज अनावरण बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के पाटलिपुत्र पार्क में किया है। इस मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी के साथ साथ बिहार सरकार के कई मंत्री और स्थानीय विधायक मौजूद थे। आपको बताएं कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी कि ये पहली प्रतिमा है जो कि बिहार में कहीं लगाई गई है। आपको बताएं कि राजधानी पटना में इसको लेकर के नीतीश कुमार ने ऐलान उस वक्त किया था जब अटल बिहारी वाजपेयी का निधन हुआ था। उसी समय सरकार ने कहा था कि पटना में अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा लगाई जाएगी, साथ ही अरुण जेटली की भी प्रतिमा पटना में लगाई जानी है। आपको बताएं कि आज पटना में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे पाटलिपुत्र पार्क में, जहां पर इस प्रतिमा का अनावरण किया गया है। आदमकद प्रतिमा का अनावरण करने के दौरान जो लोग थे बड़ी संख्या में पर मौजूद रहे। क्या कुछ कहा है पटना के दिघा विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के विधायक संजीव चौरसिया ने, सुनिए पूरे बयान में। आज पूरे बिहार की जनता और विशेष करके दिघा विधानसभा की जनता बहुत खुश है कि दिघा विधानसभा के अंतर्गत माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी बिहारी और ऊपर से अटल बिहारी और पटना के अनेक परिवार से व्यक्तिगत संबंध, पारिवारिक संबंध, अनेक कार्यकर्ता के परिवार से भी रहे हैं। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जीवन आदर्शपूर्ण और लाखों कार्यकर्ता उनके पद चिन्हों पर लगातार चलने का काम करते हैं और भविष्य में चलेंगे भी। एक कुशल राजनीतिज्ञ, कुशल कवि और अटल विश्वास, अनेक से अनेक विपत्ति को सामना करते हुए देश को एक वैश्विक स्तर तक पहुंचाने का काम जो उन्होंने किया है, और उनके पद चिन्हों पर माननीय प्रधानमंत्री जी उसी दिशा में चलने का काम कर रहे हैं। तो आज इस मूर्ति अनावरण के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री, माननीय मंत्रीगण, सभी असंख्य कार्यकर्ता, जनता यहाँ पर जो एकत्रित होकर इस जयंती के अवसर पर जो तोहफा पटना को मिला है, निश्चित तौर पर उसके लिए अभिनंदन है। और आज श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए जो लाखों कार्यकर्ता उनके पद चिन्हों पर चल रहे हैं, वो सभी निश्चित तौर पर उनको आदर्शों को लेकर अपने जीवन को आत्मसात करते हुए आगे बढ़ने का काम करेंगे। पाटलिपुत्र पार्क का नामकरण अटल बिहारी पार्क निश्चित तौर पर होगा, और उसके लिए भी मैं आग्रह करूंगा अपने प्रांतीय नेतृत्व से भी और मंत्रिपरिषद से भी, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी, कि जल्द से जल्द अटल बिहारी वाजपेयी पार्क होगा और निश्चित तौर पर होकर रहेगा।